हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, बुढ़ापा पेंशन बड़ी खुशखबरी, कल से नया नियम लागू। 10 जुलाई से आएंगे खाते में सीधा आपके 51,000 रुपये। आपको बता दिया जाए कि 51,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया था, उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी के खाते में 10 जुलाई से 51,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आने की घोषणा कर दी गई है। नायब सिंह सैनी ने कार्यालय में लगा दी मोहर और कहा कि बुजुर्गों का अधिकार है और उनके खाते में सीधा 51,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन डालनी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दिया जाए कि समाज कल्याण विभाग से एक प्रवक्ता ने कहा है कि कई बुजुर्गों के खाते में 51,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आई है और कई के खाते में नहीं आई है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जिनके खाते में नहीं आई है उनके भी खाते में 51,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का निर्णय लिया गया है और सभी बुजुर्गों के खाते में सीधा 51,000 रुपये खाते में पेंशन डालने के आदेश जारी हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लगातार बुजुर्गों से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द अपने वो कागजात को दुरुस्त करा लें जिससे सारी योजनाओं का लाभ उनको सही समय पर मिलता रहे। हरियाणा में प्रत्येक बुजुर्गों से यही उम्मीद है कि वो अपने कागजात को दुरुस्त करा लेंगे और सारी योजना का घर बैठे लाभ उठा सकेंगे। अब 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है। कई बुजुर्गों के खाते में 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन की राशि पहुँचनी शुरू हो चुकी है। जिनके खाते में 55 वर्ष की उम्र हो चुकी है फिर भी उन्हें बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनसे अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपनी बुढ़ापा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कर दे जिससे उनकी बुढ़ापा पेंशन आनी शुरू हो जाए।